दोस्तों, ये सबको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे बड़े जीनियस थे। वो इतना जीनियस थे कि अकेले ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग एक साथ लगा सकते थे। यहां तक कि जो चीजें एक आम इंसान समझ नहीं सकता था, सोच नहीं सकता था, वो आइंस्टीन ने सोचा, समझा और अपने दिमाग के बूते ही कठिन से कठिन चीजों को दुनिया के लिए आसान भी बना दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन एक फिजिसिस्ट थे। उन्होंने ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू MC स्क्वायर और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर डाला था। आइंस्टीन की इतनी बुद्धिमत्ता को देखते हुए इन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच और समझने की ताकत को देखकर लोग शुरू से ही ये मानते थे कि आइंस्टीन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो कि आम इंसानों से ज्यादा विकसित है। और कहीं ना कहीं आइंस्टीन को भी अपने ब्रेन के स्पेशल होने का अंदाजा था, और यही वजह थी कि आइंस्टीन कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनकी बॉडी के किसी भी पार्ट पर किसी तरह का कोई रिसर्च हो। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। हालांकि हुआ वही जिसका डर आइंस्टीन को था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में आइंस्टीन की मौत हो गई, और उनकी मौत के बाद ऑटोप्सी के लिए मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टीन का ब्रेन निकाल लिया। दरअसल उस डॉक्टर को भी ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में ऐसा क्या है। ब्रेन की चोरी करते वक्त डॉक्टर थॉमस स्टोल्ज हार्वे को इस बात की परवाह भी नहीं थी कि इस चोरी का अंजाम क्या होगा। उन्हें तो बस आइंस्टीन के ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी, और फिर वही हुआ। कुछ दिनों बाद प्रिंसटन हॉस्पिटल के एक अन्य डॉक्टर को उनकी इस हरकत का पता चल गया, जिस वजह से डॉक्टर थॉमस हार्वे को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ गया। हालांकि दूसरी ओर डॉक्टर हार्वे आइंस्टीन के बेटे हैंस अल्बर्ट आइंस्टीन से किसी भी तरह परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उसके पिता के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे रहस्य से पर्दा उठाएं। हार्वे आइंस्टीन के ब्रेन के रहस्य को सुलझाना चाहते थे। वो दुनिया को आइंस्टीन के ब्रेन का स्पेशल होने की वजह को बताना चाहते थे, और फिर बेटे के परमिशन के बाद शुरू हुआ आइंस्टीन के ब्रेन का एक लंबा सफर। आपको बता दें कि डॉक्टर हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे जो केवल पोस्टमार्टम करना जानते थे, फिर भी उनका ये जुनून था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च करें। दूसरी ओर कंडीशन ये थी कि हार्वे अपनी जॉब भी खंवा बैठे थे, जिस कारण वो स्टडी के लिए प्रिंसटन हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे। इसलिए वो आइंस्टीन के ब्रेन को लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया चले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई तस्वीरें ली। फिर ब्रेन को 240 हिस्सों में काटकर हर हिस्से को अलग अलग प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। हार्वे की इस हरकत की वजह से उनका उनकी बीवी से कई बार झगड़ा होता रहा। हर बार झगड़े में उनकी बीवी हार्वे को यही धमकी देती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देगी। दोस्तों, ये झगड़ा इस हद तक बढ़ गया था कि एक दिन दोनों को डाइवोर्स लेकर अलग होना पड़ा। डाइवोर्स के बाद डॉक्टर हार्वे ब्रायन लेकर कैंसिस के शहर चले गए, जहां उनकी नौकरी मेडिकल सुपरवाइजर के तौर पर एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में लगी। इस जगह पर जॉब करते हुए डॉक्टर हार्वे ब्रेन की ही स्टडी किया करते थे, और फिर समय समय पर जॉब बदल बदल कर दूसरे शहरों में ब्रेन को लेकर घूमने लगे। समय बीतता गया, कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वे आइंस्टीन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल हो गया था, और अब नौबत यहां तक आ गई थी कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब करनी पड़ी। हालांकि इस दौरान उन्होंने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया। उन्होंने ये फैसला लिया कि वो आइंस्टीन के ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे। यानी कि ब्रेन चोरी होने के 30 सालों बाद पहली बार आइंस्टीन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इस स्टडी पब्लिश के बाद अगले 28 वर्षों तक आइंस्टीन के जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट में कई स्टडीज पब्लिश की, जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि आइंस्टीन का ब्रेन आम इंसानों के ब्रेन से काफी डिफरेंट है। स्टडी में यह भी बताया गया कि आइंस्टीन के ब्रेन के स्टडी किए गए सभी हिस्सों में न्यूरॉन्स की अधिकतता थी, साथ ही उनके ब्रेन में अधिक ग्लियल सेल्स भी थी। जहां तक सभी को पता है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के हिस्से में सबसे पहले प्रोसेस होता है, और फिर ब्रेन हमारी बॉडी के उस हिस्से को सिग्नल देता है जिससे कोई काम करवाना होता है। हम ये भी जानते हैं कि लेफ्ट ब्रेन हमारी बॉडी के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारी बॉडी के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा लगभग 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और राइटिंग के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने, आर्ट और म्यूजिकल स्किल के लिए काम करता है।
आइए मैं आपको इंसानी दिमाग के खास होने का एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि कोई इंसान कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहा है या फिर वो किसी मोबाइल फोन पर ही किसी को मैसेज भेजने के लिए कुछ टाइप कर रहा है। अमूमन मोबाइल पर दोनों हाथों के अंगूठे से लोग टाइप करते हैं और इसी दौरान अगर लेफ्ट थंब से कोई मिस्टेक हो जाती है तो इंसान फौरन अपने राइट थंब से उस मिस्टेक को ठीक कर देता है। यानी कि लेफ्ट थंब से जो मिस्टेक हुआ है वो मिस्टेक राइट ब्रेन की थी, जिसे राइट थंब को लेफ्ट ब्रेन ने सिग्नल भेजकर ठीक करवाई। दोस्तों, इसी तरह से दोनों साइड के ब्रेन एक दूसरे को कम्युनिकेट करके चीजों को सही तरीके से करते हैं। अब वापस से आते हैं आइंस्टीन के ब्रेन पर। आइंस्टीन का ब्रेन इन सभी मामलों में एक आम इंसान के ब्रेन से काफी डिफरेंट था, यहां तक कि उनके ब्रेन का साइज भी आम इंसानों के ब्रेन से बड़ा था। उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड था और यही वजह थी कि आइंस्टीन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को इमेजिन करके उसे सॉल्व कर लेते थे। इन सब के अलावा आइंस्टीन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों के ब्रेन पैटर्न से काफी अलग था। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो भी काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो के कारण ही उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। ऐसा कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन मुश्किल से मुश्किल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लिया करते थे। न्यूरॉन्स की मात्रा उनके ब्रेन में ज्यादा होने की वजह से ही उनके ब्रेन का वजन लगभग 1230 ग्राम था। रिसर्चर्स ने यह भी कहा कि उनके ब्रेन की लाइनिंग काफी पतली थी और यही वजह थी कि उनके ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स थे। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टीन के पास जन्म से ही ये स्पेशल ब्रेन नहीं थी। जी हाँ, आइंस्टीन स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा नहीं हुए थे। उनके जन्म के बाद ही उनके ब्रेन में चेंजेस हुए, क्योंकि आइंस्टीन जब पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि हम सभी जानते हैं कि दूसरे बच्चे मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 साल की उम्र में ही बोलना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि आइंस्टीन ने जब बोलना भी शुरू किया तो उन्हें ज्यादा बोलना पसंद नहीं था। वो हमेशा किसी न किसी ख्याल में खोए रहते थे। उनके पास चीजों को मेमोराइज करने की क्षमता काफी कम थी। यहां तक कि सिंपल मैथ्स के टेबल भी उन्हें याद नहीं रहते थे। हालांकि वो शुरू से ही रट्टा मारकर पढ़ने में विश्वास नहीं करते थे। वो मैथ्स और नंबर्स को तार्किक तरीकों से प्रोसेस करने में मास्टर थे। ऐसा कहा जाता है कि स्कूल लाइफ में आइंस्टीन मैथ्स और साइंस को छोड़कर हर सब्जेक्ट में फेल होते थे। मैथ्स एंड साइंस ही 2 ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें उन्हें सबसे अधिक नंबर मिलता था। उनके साथ का एक वाकया ये है कि जब वो 12 साल के थे तब उनकी फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक गलती से भूल गई थी, और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उन्होंने कुछ ही समय में उस बुक में दिए गए ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया था। यहां तक कि महज 14 साल की उम्र में ही वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ और साइंस में उनकी पकड़ इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि स्कूल में प्रोफेसर्स भी घबराते थे कि कहीं आइंस्टीन खड़े होकर कोई सवाल ना पूछ ले। दरअसल आइंस्टीन के सवाल प्रोफेसर्स के सर के ऊपर से गुजर जाते थे। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही यूनिवर्स के लॉज को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने इसी काम को अपने जीवन का मकसद भी बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टीन ने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके सबको हैरान कर डाला, और यही कारण है कि उन्हें ह्यूमैनिटी के लिए इस बड़े योगदान के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया। आइंस्टीन दुनिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, या यूं कहे कि हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आइंस्टीन के बगैर आज भी साइंस अधूरा है। उनके ब्रेन की वजह से ही साइंस जगत को कई अनसुलझे सवालों का जवाब समय समय पर मिलता रहा है। दोस्तों, छोटी सी उम्र से ही उनके सोचने, चीजों को अलग तरह से प्रोसेस करने के कारण ही उनका दिमाग डेवलप होता गया। आज भी आइंस्टीन का ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका के एक म्यूजियम में मौजूद है। उनके ब्रेन को बड़ी ही हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक फिल्म में प्रिजर्व करके रखा गया है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।